हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं अमृतसरी पालक पनीर भुजी, जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत ही इजी तरीके से हम बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने ऑन कर लिया। पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून घी, आधा छोटा चम्मच डालेंगे हींग, ये 1 कप हमने प्याज चॉप करके रखे हैं, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। हम मीडियम आंच पे इसको भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज हमारे हो गए हैं, टमाटर चॉप किए हुए हैं हमने, 1 कप ही हम टमाटर डालेंगे इसमें। 4 टमाटर हमने चॉप करें, साथ ही डालेंगे अदरक। अदरक 1 इंच का टुकड़ा हमने चॉप किया है, वो डालेंगे हम इसमें। 2 हरी मिर्च हमने चॉप किए, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, हरी मिर्च आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको होने देते हैं, हम तो ढक के हम पकने देते हैं, जब तक ये ऑयल रिलीज नहीं करते तब तक। इसमें डालेंगे दही, 1 टेबलस्पून दही डालेंगे, 1 टीस्पून बेसन, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा मिक्सचर तैयार हो गया, ये देखिए अच्छे से हमारी ग्रेवी हो गई है। अब इसमें डालेंगे जो हमने मसाला बनाया था, हमने बैटर बनाया था, वो डालेंगे हम इसमें दही वाला। साथ ही हम पानी डाल देंगे इसको, धो के मिक्स करेंगे, इसको भी पकने देते हैं। साथ में हम डाल देते हैं पालक, 250 ग्राम पालक है ये, इसके अंदर डाल देंगे हम। तो मिक्स करेंगे, मेरे चैनल पर पालक पनीर की रेसिपी भी है, पालक डोसा, पालक चीला भी है, पालक की बहुत सारी रेसिपीज हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और मैं आई बटन में भी उसका लिंक दे दूंगी, आप उसमें भी देख सकते हैं। इसको अब हम ढक देंगे, इसको होने देते हैं सिम पे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे 1/2 कप, ताकि हमारा पालक अच्छे से हो जाए। इसको ढक देते हैं, देख लेते हैं, 1 मिनट हो गए इसको। अब पालक चेक कर लीजिए कि पालक हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया। घी भी छोड़ दिया इसने, मेरी सब्जी हो गई है। इसलिए पनीर को हम क्रश करके डालेंगे, आप चाहें तो घी कस करके भी डाल सकते हैं। एक चौथाई चम्मच डालेंगे गरम मसाला, ये मलाई है जिसको हमने बीट कर लिया, आप चाहें तो क्रीम भी डाल सकते हैं, ये भी हम इसमें डाल देंगे। धनिया से गार्निश कर देंगे, मिक्स कर देंगे, गैस बंद कर देंगे, हमारी सब्जी तैयार है। पालक पनीर भुजी बनकर तैयार है, बहुत ही यम्मी बनी है। अगर आप बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे, और सर्दियों में तो बहुत ही बढ़िया लगती है, आप जरूर बनाएं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम नया कंटेंट डालें सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।